हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए नाइट स्किन केयर रूटीन। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी स्किन को लेकर, सो बहुत ही इजी बना देने वाली हूँ मैं आपका नाइट स्किन केयर रूटीन। सिर्फ तीन से चार स्टेप्स हैं और यू आर गुड टू गो। आप बहुत ही अच्छी स्किन पा सकते हैं ऑयली स्किन के साथ भी। तो या वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हाँ, और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बिना हिचकिचाहट के, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ताकि आगे जब मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं आपके पॉइंट्स को भी ऐड कर सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाइट स्किन केयर में चाहे आप किसी भी स्किन टाइप की हो, सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग, फेस वॉश करना, फेस को क्लीन करना। आपके दिन भर में आपके फेस में जितना डर्ट, ग्राइंड, जर्म या मेकअप रहता है आपके फेस पर, उसे आपको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप के या बिना फेस वॉश किए तो आप कभी भी अपना स्किन केयर शुरू नहीं कर सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी में क्यों बोल रही हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे बातें बोल पाऊँ और जल्दी बोल पाऊँ और समझ भी पाऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर पाऊँ। मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने DIY मेकअप बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आई एम सो सॉरी गाइस, इस वीडियो का जो ऑडियो था वो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ऑडियो मुझे नहीं आ पाया इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो ही आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। सो यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि ऑयली स्किन वालों के लिए जो हम नाइट स्किन केयर रूटीन जो हम फॉलो करते हैं, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने मेकअप को रिमूव करना। ये चाहे आप किसी भी स्किन टाइप के हो, मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेकअप को रिमूव ज़रूर करें। मैंने अपने चैनल पर DIY मेकअप रिमूवर बनाना दिखाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे फेस पर अभी कोई मेकअप नहीं है, तो मैं आपको मेकअप रिमूव कर नहीं दिखा रही हूँ, पर अगर आपके फेस पर मेकअप है, थोड़ा सा भी BB क्रीम, CC क्रीम जो भी है, रिमूव ज़रूर करिएगा मेकअप, वरना आप जो भी स्किन केयर करेंगे वो बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। तो मेकअप अच्छी तरीके से रिमूव कर लीजिएगा। तो मेकअप रिमूव करने के बाद जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन में ही मैं स्क्रब करती हूँ। और आज मैं यहाँ इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये स्टेप कितना ज़रूरी है। आप भी चाहें तो 2 से 3 दिन में, हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हार्श स्क्रब आपको यूज़ नहीं करना है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप डेली स्क्रब करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाकर आप उससे भी अपना फेस रोज़ स्क्रब कर सकते हैं रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, वो बहुत ही नेचुरल तरीका होगा स्क्रबिंग का, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट की चीज़ों से स्क्रब कर रहे हैं तो आप शायद आपको रोज़ ही करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन में कर सकते हैं आप। यहाँ मैं जो भी इसका एप्रिकॉट एंड एलमंड स्क्रब ले रही हूँ, और उसी से मैं आज स्क्रब करने वाली, और जनरली मैं इसी ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, पार्टिकल्स इसके बहुत ही ज़्यादा फाइन है, ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं स्किन पर, तो मैं अच्छी तरीके से इसे मसाज कर इसे मैं स्क्रब कर लूँगी अपने फेस पे, और जितनी भी डेड स्किन की लेयर है मैं उसे हटा देने वाली हूँ, ताकि हम आगे जो भी प्रोसेस करें वो हमारे स्किन पर बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट हो। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है और अच्छी तरीके से अपने फेस पर मसाज करते हुए स्क्रब कर जा रही हूँ, ताकि बल्कि हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, ताकि मेरे स्किन को थोड़ा सा भी हार्म ना पहुँचे, और जो भी डेड स्किन की लेयर है, जो भी डर्ट, ग्राइंड, जर्म है, वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाए अच्छी तरीके से। देख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल भी हार्श नहीं हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, इसलिए आपको लग रहा होगा, बट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही धीरे से, बहुत ही जेंटली मैं कर रही हूँ। तो आपको भी बहुत जेंटल रहना है आपकी स्किन पर, आफ्टरऑल आपकी स्किन है, तो अच्छी तरीके से स्क्रब कर लेंगे। तो यहाँ मैं कुछ आपको कह रही थी और वो सारी बातें मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। जी नहीं, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है, जो फाइन पार्टिकल्स है वही बचे हैं, और जो जो क्रीमी प्रोडक्ट था उसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है अपने पूरे स्किन पर क्लिनजिंग के लिए, वही मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसे वॉश करने वाली हूँ, तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है,
फेस वॉश करने के बाद आपको फेस को एक कॉटन के टॉवल से आपको पैड ड्राई करना है आपका फेस, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। रगड़ रगड़ कर आपको नहीं पोंछना है अपने फेस को, आपको पैड ड्राई ही करना पड़ता है। आप जितनी बार भी अपना फेस वॉश करेंगे, पैड ड्राई के मोशन में ही अपने फेस को ड्राई करें। अब मैंने यहाँ फेस स्क्रब यूज़ कर लिया है, अब बारी आती है फेस वॉश की। जनरली मैं क्या करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फेस स्क्रब और वॉश को एक साथ ही मिलाकर मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट क्योंकि आज मुझे आप लोगों को यहाँ दिखाना था तो मैं अलग अलग स्टेप में दिखा रही हूँ, पर आप दोनों को मिक्स करके एक ही स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स डेली टू डेली लाइफ में किसी के पास इतना टाइम रहता है कि हम मतलब नाइट स्किन केयर में भी इतना, हमें तो ऐसा लगता है कि घर पहुँच के हम कितनी जल्दी सो जाए, तो हाँ आप ये मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश लिया है और मैं अच्छी तरीके से उसे मसाज कर रही हूँ। थोड़ा सा एक दो बूंद पानी लेकर आप इसे पहले मसाज कर सकते हैं, मसाज करके मतलब अच्छी तरीके से जितने भी डर्ट ग्राइम जर्म मतलब जितने भी बचे हुए हैं अंदर हमारे पोर्स में वो सारे साफ हो जाए। मेक श्योर करें अच्छी तरीके से आप अपने फेस को मसाज करें। मैंने फेस को वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद पैड ड्राई, सेम आपको अपने फेस को वॉश करके पैड ड्राई करना है। अच्छी तरीके से फेस को मैंने पैड ड्राई कर लिया है। तो अब जब हम लोगों ने फेस को वॉश कर लिया तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये फिर से कोई मॉइस्चराइजर या कोई नाइट क्रीम लगाने को बोलेगी, तो मतलब वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ कि ऑयली स्किन के लिए स्पेसिफिकली नाइट स्किन के रूटीन क्यों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कोई भी ऐसा मतलब नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाने के लिए नहीं कहूँगी। आई नो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो आपको मतलब थोड़ा सा अलग स्किन केयर रूटीन चाहिए। तो जो आपके जो टी जोन है, जो आपका मतलब फोरहेड है, जो आपका मतलब नोज़ है, उस पर मतलब जब आप सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले रोज़ वाटर फेस वॉश करते ही रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्लिट कर लेना है। और रोज़ वाटर स्प्लिट करते ही आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी ना कि आपको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपने आँखों से दिखेगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक स्प्रे बॉटल में रोज़ वाटर को डाल के मैंने इसे मतलब अब मैं स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल में ही है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्प्रे बॉटल मैंने अच्छे से अब इसे थोड़ी देर के लिए हवा में ही मैं इसे सूखने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको सिर्फ एलोवेरा जेल लगाकर सो जाना है। आप लोगों के लिए ऑयली स्किन वालों के लिए तो एलोवेरा जेल मतलब वरदान है आप लोगों के लिए। आउट से एलोवेरा जेल से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं, और आपको कुछ और कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र नाइट क्रीम की आपको ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो एलोवेरा लगा लिया है मैंने, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी, कूल लगेगी आपकी स्किन, अब आपको ज़्यादा ऑयल सीक्रेट नहीं होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय